अबसे कुछ समय पहले टॉस हुआ, दबंग दिल्ली ने टॉस जीता, पहली रेड पटना पायरेट्स की होगी। सचिन तंवर संभवतः पहली रेड के साथ दिखेंगे। इंतजार करना होगा उसका, क्योंकि आशु मलिक पहली ही रेड में बाहर हुए हैं। पटना पायरेट्स का डिफेंस, ये तीसरी रेड है सुधाकर की। टू टच के माहिर खिलाड़ी हैं, बहुत ही स्विफ्ट टू टच करते हैं, और यहाँ एडवांस टैकल करने की मंजीत ने हम्पी की। खमियाजा चुकाना पड़ेगा, उसी का बदला लेना चाहिए। बेहतरीन बैक के आशु मलिक, लेकिन डिफेंस सही समय पर आया है। ये सुपर रेड हो गई, बिल्कुल हाफ मिड लाइन को क्रॉस किया था। आशु मलिक ने मूव करके दिखाया है, नवीन की गैर मौजूदगी में यहां सुपर टैकल कर दिए गए। आशु करना चाहूंगा मंजीत, एक कम से कम लेना चाहेंगे ताकि ऑल आउट के नजदीक लेकर आए। मौका है सुधाकर के पास, वक्त निकल रहा है, ऑल आउट के दहलीज पर जाएंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, बिल्कुल ऑल आउट हो जाएंगे। बोनस जरूर लेकर के गए, लेकिन इसके साथ ही टीम ऑल आउट हो गई। जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका एक बार मिलता है प्रो कबड्डी में। रो को टारगेट किया सचिन तंवर, पिछली रेड पे और रनिंग किक लगाने की कोशिश, कामयाबी मिली नहीं। वक्त निकल रहा है और ये कामयाबी मिल गई। एक नहीं दो पॉइंट लेकर के पहली टू, सात पॉइंट का फासला। मंजीत के पैरों पर गए और उसके बाद कॉम्बिनेशन टैकल देखने को मिला। बोनस पॉइंट, बचा ले गए, बचा ले गए। थ्री पॉइंट्स, डाइव मारने की बात कही और डाइव मारी गई। यहाँ तारीफ है यहाँ नीरज के ब्लॉक की, बढ़िया यहाँ पे स्लाइडिंग टू टच की कोशिश, एस्केप, लेकिन पटना पायरेट्स का डिफेंस कामयाब। और क्या प्रेशर बना रहे पटना पायरेट्स के डिफेंडर्स दिल्ली के ऊपर। पटना पायरेट्स ने, पायरेट्स वापसी पर, दबंग दिल्ली ऑल आउट के नजदीक, लेकिन ये सुपर टैकल इस समय भारी पड़ेगा पायरेट्स के ऊपर अगर ये कन्वर्ट हो गया। टू पॉइंट ड्रॉप सुपर टैकल यहां कन्वर्ट हो गया, मगर कीचड़ से निकल पाना आसान नहीं। 38-37 केवल एक पॉइंट से लीड कर रही है दिल्ली। आशु मलिक के लिए एक बड़े रेड की जरूरत और ये बड़ी रेड हुई है। दो पॉइंट लेकर जाएंगे आशु मलिक। आखिरी लम्हों में टाई खेलना दोनों के लिए बेहतर है, क्योंकि टाई खेलने पर आपको तीन तीन पॉइंट्स मिलते हैं।